हेलो स्टूडेंट, करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। बोला है अगर एक सर्कल है उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम एरिया होगा तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर बन जाए, ठीक है। मतलब कि एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, उसमें रेक्टेंगल बनता है तो उसका जो मैक्सिमम एरिया होगा, यानी जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो वो स्क्वायर बन जाए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर है, तो ये सेंटर है, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रेडियस, और ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, मान लिया इसको। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट लेंथ हो जाएगी एक्स और ब्रेथ हो जाएगी वाई सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर दिया नहीं है, यूनिट लेंगे, ठीक है, इसको लेने के लेंथ इक्वल टू एक्स यूनिट और ब्रेथ हो जाएगी वाई यूनिट। उसके बाद क्या करना है आपको, हमें दरकार इसका एरिया मैक्सिमम, किसका, स्क्वायर का। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ए इक्वल टू होता है एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई है, तो एक्स वाई हो जाएगा। और क्या कर रखा है, और देखो ये होता है हमारा 90 डिग्री रेक्टेंगल है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये भी वाई होता है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होता है। तो अगर ये पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस से क्या होगा, इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है इसके लेंथ के स्क्वायर और ब्रेथ के स्क्वायर के बराबर। ये आ गया भाई पाइथागोरस से। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू किसी की वैल्यू में डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ से हम वाई की लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर, एक्स यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और रूट लगा देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इस वाई को यहाँ डाल देंगे, तो एरिया हो जाएगा हमारा एक्स, वाई की जगह लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया और रूट भी है। अब अगर रूट को लेके हम सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेकंड डिफरेंशियल टप पड़ेगा इसको, तो क्या करते हैं हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर को फिर सॉल्व करेंगे तो टू ए डिफरेंस करेंगे तो फिर डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर ऐसा बनता जाएगा। तो इसके क्या करेंगे, इसकी कोई हमारा ज़्यादा नहीं, हमें तो इसको दिखाना है मैक्सिमम है, तो हम क्या करें, इसको ए स्क्वायर को हम ए ले लेते हैं, ए वन मान लेते हैं, तो लिखते हैं लेट ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन, ये एरिया, तो एरिया हो गया हमारे पास ए वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको खोलते हैं, ए वन इक्वल टू, इसको इससे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स की फोर। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी ए वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो इसका होगा टू एक्स आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था तो टू एक्स हो गया और आर स्क्वायर इसी रहेगा, और माइनस ये हो जाएगा फोर एक्स का क्यूब, इसको जीरो पुट करते हैं, उसके बाद इसको जीरो करते हैं, एफ डैश इसको जीरो करते थे ना, तो डी ए वन अपॉन डी एक्स को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू पाई टू एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो x से x कटेगा, एक 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो x चला गया इससे कट जाएगा, यहाँ r स्क्वायर बचेगा इक्वल टू यहाँ 2x का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक x से एक कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो हमें चाहिए r, x चाहिए, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू, फिर दोनों तरफ रूट करेंगे तो x आ जाएगा आर अपॉन रूट टू, ये आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू आर अपॉन रूट टू, और डी ए वन अपॉन डी एक्स था टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई था टू एक्स, सॉरी टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स आर स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यू, ये था। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि एरिया मैक्सिमम होगा तो स्क्वायर होगा, तो देखते हैं मैक्सिमम है नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर ए वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, फोर टू जो ट्वेल्व एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आर डालेंगे, यानी ये तो चेक हो गया, अब हम चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम, तो डी स्क्वायर ए वन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे एट
एक्स इक्वल टू आर अपॉन रूट टू, इसमें चेक करना है। तो क्या होगा, टू आर की जगह डाल देंगे हम, किसी एक्स की डालना है तो आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक मिनट, टू आर स्क्वायर माइनस 12 एक्स की जगह डाल देंगे आर अपॉन रूट टू का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस 12 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, नीचे रूट टू का स्क्वायर का 2। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 2 2 जो 4 आर स्क्वायर माइनस 12 आर स्क्वायर, यह आ जाएगा 40 में से 12 में से 4 गया 8 तो माइनस 8 आर स्क्वायर अपॉन 2 2 4 जो 8 यानी माइनस 4 आर स्क्वायर। तो ये क्या आया, तो मान ये हमारे किस में आया, ये माइनस आया यानी स्मॉलर देन 0, यानी क्या हो गया, एरिया मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एरिया आ गया, ये रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है। तो अब स्क्वायर, स्क्वायर का एक साइड क्या होगी, मतलब स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होगा नहीं होगा, तो एक्स हमारे पास कितना है, एक्स है हमारे पास आर अपॉन रूट टू। और वाई निकालेंगे, वाई के लिए फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, हमारे निकाला था वाई इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो यहाँ डाल देंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह, एक्स की जगह आर स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर 2, एलसीएम लेंगे वाई आ जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 2 आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आर स्क्वायर, ये आर है यहाँ पे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 में से 1 गए खाली आर स्क्वायर अपॉन 2 रूट, रूट हटेगा तो आर अपॉन रूट 2, तो वाई कितना आ गया, एक्स वाई, वाई आ गया आर वाई रूट 2 और एक्स है आर बाई रूट 2। देखो लेंथ थी, ब्रेथ थी, दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्या बोलेंगे, क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिगर क्या बन गई उसकी।